प्रिय दर्शकों, खबरों की ओर बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ये बिल्कुल फ्री है, इससे आपका कोई हर्ज नहीं होगा, लेकिन आपकी वजह से हमें और हमारी टीम को हौसला अवश्य मिलेगा। तो चलिए खबरों की ओर बढ़ते हैं। बिरनी प्रखंड क्षेत्र के कोवाड़ कोडरमा मुख्य मार्ग का मरम्मती कार्य चल रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क में जितने भी लोग गुजर रहे हैं, पिचिंग सही नहीं होने के कारण दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। बताया जाता है कि संवेदक जैसे तैसे कार्य कर रहा है, एक तरफ सड़क का मरम्मती कार्य चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर डाला गया मटेरियल उखड़ता नजर आ रहा है। कहीं बिना पिच के तो कहीं सफेद गिट्टी से कार्य किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि सड़क पे वाहन के आवागमन के दौरान अगर किसी वाहन चालक के द्वारा ब्रेक लगाया जाता है तो सड़क पर डाले गए मटेरियल उखड़ने लगते हैं। इधर मामले को लेकर कांग्रेस नेता वासुदेव वर्मा ने दो दिन पहले इस कार्य को लेकर आक्रोश जताया था और सड़क निर्माण कार्य देखकर भड़क गए थे तथा कंस्ट्रक्शन के इंचार्ज दीपक कुमार से मोबाइल से बात किए थे, लेकिन संवेदक द्वारा गुरुवार को पुनः जैसे तैसे कार्य कराया जाने लगा, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया और कांग्रेस नेता निरंजन कुमार राय, आबिद अंसारी, आशिक अंसारी, यूसुफ अंसारी, सलीम अंसारी, बद्री राम, प्रकाश वर्मा, सुखदेव वर्मा समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर कार्य को बंद करा दिया और कहा कि अगर कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ तो कार्य को बंद ही रखें और बिरनी की जनता को ठगने का काम ना करें। बताया गया कि यह कार्य पथ निर्माण विभाग के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें कुल 37 किलोमीटर तक सड़क का कार्य होना है। इस कार्य का शिलान्यास बीते 1 सितंबर को बगोदर विधायक विनोद सिंह ने किया था। इधर मामले को लेकर इंचार्ज दीपक कुमार ने बताया कि जहां भी सड़क मरम्मती कार्य में लापरवाही हुई है वहां फिर से सड़क बना दिया जाएगा और कार्य में सुधार लाया जाएगा। वहीं कार्यस्थल पर पहुंचे एसडीओ भी कार्य को देखकर भड़क गए और सही से काम कराने का निर्देश दिया। अरे रोड बन रहा है, जनता जनार्दन सुरक्षा के लिए जलते नहीं बने कछिए रे, देख लीजिए दीपक जी, देख लीजिए नामा बोले, देखिए इसको देख लीजिए, बढ़ जाता है, एक विवाद बढ़ जाता है तो आप भी डिस्टर्ब में है इधर भी, इसलिए आपको बोले कि काम को बंद कीजिए। नेता जी, मेरी मांग जो है, हम लोग का जो मांग है, ठीक है इंचार्ज महोदय आप थोड़ा ध्यान देंगे, गुणवत्ता यहाँ दिया जा रहा है, आखिर क्या कारण है? अच्छा क्या था, उस दिन रात में दो गाड़ी माल बिछा था, कहीं कहीं थोड़ा सा हुआ है, इनको हम स्वीकारे थे, इनको कोई हम जगहों को फोन किए थे तो हम बोले थे उसको हटा के उसको फिर से फ्रेश कर देंगे, आप लोग का घर का काम है, हम लोग खड़ा होकर आप लोग कराइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ है, कहीं को किंतु परंतु नहीं होने देंगे, बढ़िया काम करके जाइएगा, हमारी पूरी टीम आपका मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर खराब काम करेंगे तो लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाएंगे, पहले समझ लीजिएगा सर, हमारी मांग है जो काम वहाँ से जो चालू हुआ है, जो पूरा रोड यहाँ अभी देख रहे हैं, चल करके देख लीजिए, आप नहीं गुजरे होंगे तो देख लीजिए, क्या सर वो संतोषजनक काम किया अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय काम बढ़िया काम हो रहा है, आप ही खुद अध्यक्ष महोदय, क्या सर वो संतोषजनक काम हुई है? इनके पहले डबर सैनी पहाड़ के नीचे से जो रोड का काम हुआ है, ये ग्राम चितरना से लेकर के ग्राम गांडो मोड़ तक, वो बिल्कुल काम जो हुआ है बिल्कुल गाड़ी का ब्रेक लगने से तीन फीट चार फीट जो है सो गिट्टी उखड़ करके चला जा रहा है, और ये काम जो हुआ है ये बिल्कुल गुणवत्ता से खिलवाड़ किया गया है, गिट्टी भी जो आ रही है वो बिल्कुल चूरन वाला गिट्टी मिक्स करके चीप क्या कहते हैं पीच में और डाला जा रहा है, लोगों को अंधा बनाया जा रहा है, पीच का तो नाम ही नहीं, पीच का नाम ही नहीं है। दूसरा बात है कि इन लोग जो घोल लगा रहे हैं, घोल लगाने का नियम ये भी हम लोग जानते हैं कि कल काम होगा तो आज ही घोल लगना चाहिए, वो सूख जाएगा घोल, उसके बाद दूसरे दिन जिस दिन काम होती है उस दिन घोल को पुनः डबल मारा जाता है, तब जाकर के उसमें मिट्टी गिट्टी मोरम का काम होता है और जाकर के वाइब्रेटर चलता है, और यहाँ देखिए क्या किया गया है, जो 3 इंच रोड की मोटाई होनी चाहिए वाइब्रेटर चला करके, वो 3 इंच मोटाई है ही नहीं, इसलिए हम लोग हमारे कांग्रेस कमेटी की मांग है कि जब तक इस रोड में गुणवत्ता से नहीं काम किया जाएगा भैया, हम लोग का प्रोटेस्ट जारी रहेगा और जो रोड का काम हुआ है वो पुनः उखाड़ करके पुनः फिर से उसको डाला जाए, उसको फिर से डाले, अन्यथा अगर नहीं रोड को उखाड़ते हैं तो फिर हम लोग काम नहीं होने देंगे,
हमारी मांग है कि ऊपरी पदाधिकारी आवे, एसडीओ आवे, एसक्यूटिव आवे, इंजीनियर जितना भी है आवे, हम लोग को संतुष्ट करा के जावे। बस इसी में हम लोग भैया हम लोग किसी तरह से झोल झाल का काम नहीं करना चाहते हैं। रोड जो बन रहा है ये सौंदर्यीकरण के लिए है, जबकि ऊपर में लिखा हुआ है सौंदर्यीकरण, और सौंदर्यीकरण के नाम पर इस रोड में इतनी ठकी जा रहा है। जो मनुष्य यहाँ का चलने के क्रम में कल मोटरसाइकिल से एक आदमी गिरा जिसका हाथ भी क्रैक हो गया, और पेट के ऊपर जो इसका ये होता है सीना के पास वो भी जो इसको मतलब क्रैक कर गया। बताइए, आदमी बचाव के लिए रोड बनाता है और ऐसा ही रोड बना रहे हैं जो अभी ही पब्लिक गिर रहा है और गिरने के बाद उसको नुकसान हो रहा है। मैं उस ठेकेदार से कहना चाह रहा हूँ कि आप अपना संभालिए, और अगर आप नहीं संभाल पाएंगे तो कल आपके पास यहाँ से लिखेंगे और पथ निर्माण के पास मंत्री के पास हम लिख रहा हूँ, आपको काम जब तक आप सही से नहीं करेंगे आपका काम बंद रहेगा। कोडरमा पथ के 21वें किलोमीटर में बीएम का कार्य कराया जा रहा है। पथ में एकाध जगह बीएम के मटेरियल में सेग्रीगेशन हुआ था जिसको अभी ठीक करा लिया गया है, और आगे भी संवेदक के इंजीनियर को ऐसा निर्देश दिया गया है कि बिटुमिनस कार्य को अच्छे से करना है। उखड़ने की शिकायत थी वो नहीं उखड़े, और सेग्रीगेशन के लिए स्पेशल हिदायत दी गई है कि मजदूरों से पेवर के पीछे पीछे जो भी ग्रेडेड मटेरियल हैं उनको मेंटेन करते हुए काम को धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसमें पत्थर जो अभी आरोप था इन लोग कांग्रेस पार्टी जनों का कि पत्थर जो है सो थर्ड फोर्थ ग्रेड का मतलब जो है सो प्रयोग हो रहा है सादा पत्थर का, उस पर क्या कहेंगे सर? पत्थर तो सादा पूरा निकाल करके भी देखेंगे। अच्छा, नहीं पत्थर की क्वालिटी तो दिख रही है, पत्थर की क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। एकाध जगह में जो सेग्रीगेट हुआ था इक्वल साइज के पत्थर आए हुए थे उनको अभी ठीक करा लिया गया है। पब्लिक के सामने, सारे लोगों के सामने मैं अभी स्थल पर खड़ा रह करके इसको ठीक करा दे रहा हूँ। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।